नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में। मैं आपका दोस्त अभय कौशल। आज की इस कहानी में हम कल्पना की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो आइए अब जानते हैं क्या है कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और दिखने में बिल्कुल गुड़िया के जैसी थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है, वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता की बहुत ही याद आई। कल्पना की शादी को अब महीने बीत गए थे। अब उसका पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। राहुल अब पहले जैसे कल्पना को प्यार नहीं करता और ना ही उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोज छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पर राहुल ने जवाब दिया, वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ। और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा CID बनने की जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद कल्पना वापस से काम पर लग जाती है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए हुए थे। सभी ने पार्टी की। उस दिन राहुल के एक दोस्त ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक करने के बाद नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं। लगता है आप राहुल भाई का ध्यान नहीं रखते हो। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा, ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी? राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कल्पना, मैं बीबी हूं आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। कल्पना, अब देखना इस नेहा की बच्ची को कैसे सबक सिखाती हूं कमीनी को। नेहा को कल्पना के द्वारा कमीनी कहे जाने पर गुस्से में राहुल ने कल्पना को बहुत मारा और उसके कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया। कल्पना की सास को पता था, फिर भी अपने बेटे के सामने एक शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना की ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा तो वह भी परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब उसे कुछ ना बोलती, चुपचाप कमरे में अकेली बैठी रहती। धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती।
आखिरकार एक दिन कल्पना ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को यह बात पता थी कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की है। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है, और वही बुराई किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था कल्पना के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और भी सैड स्टोरी सुननी है तो नीचे कमेंट जरूर करें और बताएं हमें। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।